heat transfer net also you completed the day. Now okay, let us shift to the exercise. हमारा heat and thermodynamics chapter जो है इसका complete exercise हम discuss करने जा रहे हैं. We will be devoting one or two days on this. Then हम फिर बेटे नया chapter start करेंगे. Question number 7 है बेटे आपकी NCERT exercise का. Question number 7 की statement मैं बेटे पढ़ने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा. A cylinder with a movable piston contains 3 moles of hydrogen at standard temperature and pressure. 3 moles of hydrogen at standard temperature and pressure. Repeat karunga. A cylinder with a movable piston contains 3 moles of hydrogen at standard temperature and pressure. The walls of the cylinder are made up of a heat insulator. सिलेंडर आप ड्रॉ भी कर सकते हो इस तरीके से बेटा. ये सिलेंडर है, ये इसकी वॉल्स हैं और इस तरीके से हेयर डू बी हैव द पिस्टन. और इस सिलेंडर के अंदर बेटे आपके पास 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आपने एनक्लोज करके रखे हुए हैं. वॉल्स इसकी इंसुलेटिंग मटेरियल की बनी हुई है, कंडक्ट नहीं कर रही है. एंड द पिस्टन इज इंसुलेटेड बाय हैविंग ए पाइल ऑफ सैंड ऑन इट. पिस्टन पे उन्होंने सैंड रखी हुई है. यहाँ पे सैंड अच्छा इंसुलेटर होती है ताकि आपका ये सिस्टम इंसुलेटेड ही रहे. बाय व्हाट फैक्टर डज द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीज इफ द गैस इज कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम. आपने कितना इसको बेटा जो है कंप्रेस करना है ताकि जो प्रेशर है ये बेटे सॉरी जो वॉल्यूम है ये हाफ हो जाए इनिशियल वैल्यू का. मैं रिपीट करूंगा पूरा स्टेटमेंट पार्ट बेटा. ए सिलेंडर विद ए मूवेबल पिस्टन कंटेन्स 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. उसके बाद the walls of the cylinder are made up of heat insulator and the piston is insulated by having a pile of sand on it. By what factor does the pressure of the gas increase if the gas is compressed to half of its volume. Iska volume half kar diya gaya hai, iske pressure mein kaun si change aayegi, kitni change aayegi beta, that is required. Dear children, एक बात यहाँ पे बड़ी क्लियरली उन्होंने इंडिकेट की है कि ये सारा इंसुलेटिंग है. जब आप कंप्रेस करोगे हीट ट्रांसफर नहीं होगा, आपका जो पूरा प्रोसेस है दैट विल बी एडियाबेटिक. पीवी रेस टू पार गामा दैट मस्ट बी इक्वल टू सम कांस्टेंट बेटा. तो डियर चिल्ड्रन जो आपकी पहली कंडीशंस है, आप जब इसको इस स्टेट में रखे हुए हो आप P1V1 पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट के कह सकते हो. फिर आपने जिसको इसको जब कंप्रेस किया P2V2 पावर गामा इट इज स्टिल इक्वल टू द सेम कांस्टेंट बेटा. और आपको उन्होंने दिया हुआ है कि जो बेटे V2 है ये आपके पास V1/2 आपने वॉल्यूम हाफ कर दिया है. लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे और भी है, आपका गैस हाइड्रोजन गैस है. हाइड्रोजन गैस की बात करोगे अगर आप तो ये डाई एटॉमिक गैस आपका है. और अगर डाई एटॉमिक है तो आपका गामा 7/5 आप चेक करिएगा, इज इट 1.4 और नॉट विद डियर ऑल. अब आप इन दोनों इक्वेशंस को यूज करिएगा, P2V2 पावर गामा P1V1 पावर गामा. आपको P2 चाहिए है, P2 इज इक्वल टू P1 इनिशियली कितना था आपके पास, और V1/V2 इसकी कंप्लीटली पावर आपके पास आ जाएगी बेटे गामा. और आपको उन्होंने फर्दर मोर V2 की वैल्यू दी हुई है,
को ऐसा रखिएगा, B1 को B1 नहीं रहने दिया, B2 को आपने B1 by 2 लिख दिया, गामा आपका 1.4 बेटे, तो V1 is getting cancelled बेटे, और you will get P2 is equal to P1 into 2 raised to power 1.4. ये 2 की पावर 1.4 जो है बेटा, ये definitely बेटे आपका मोर देन टू आपको दे देगा। अगर आप इसको कंप्लीटली सॉल्व कर लोगे तो दिस विल बी इक्वल टू 2.64 टाइम्स पी वन, 64 टाइम्स पी वन, इतना आपका प्रेशर जो है ये सेकंड जो आपकी सिचुएशन है वहां पे बन रहा है। सो इस तरीके से बेटे आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। मैं रिपीट कर दूं अगर बेटे, डियर चिल्ड्रन, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट पार्ट यह है, ए सिलेंडर विद ए मूवेबल पिस्टन कंटेन्स 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, द वॉल्स ऑफ द सिलेंडर आर मेड अप ऑफ हीट इंसुलेटर एंड द पिस्टन इज इंसुलेटेड बाई हैविंग ए पाइल ऑफ सैंड ऑन इट। By what factor does the pressure of the gas increase if the gas is compressed to half of its volume? तो ये adiabatic process का direct बेटे आपका एक question है, accordingly we can complete this बेटा। बेटे I hope it is clear to all। Anjali, Raghav, Raman, Sahaj, Diljeet, Divnur, Drishti, Mitali, ठीक है बेटे, right बेटे, right। थोड़ा बेटे साथ साथ नोट करते जाइएगा, फिर आपको कई बार बेटे हमें इन पर्टिकुलर प्रोसेसेस में, इक्वेशंस में, या इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनालिटिकल और मैथमेटिकल ट्रीटमेंट को हैंडल करने में कई बार थोड़ा मुश्किल लगता भी है। अगर आपको ऐसा फील हो तो जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग द थिंग्स बेटा, थोड़ा लिख के करिएगा, आपको दिक्कत कभी कोई आएगी ही नहीं बेटे। देन बेटा क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल इसके साथ वाला क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। लेट मी गो फॉर विद द स्टेटमेंट। आपको कहा गया है इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ ए गैस एडियाबेटिकली, आप एडियाबेटिकली किसी गैस की स्टेट करना चेंज करना चाहते हो स्टेट, इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ ए गैस एडियाबेटिकली फ्रॉम एन इक्विलिब्रियम स्टेट ए टू एन equilibrium to an other equilibrium state B, the amount of work equal to 22.3 joules is done on the system. एक स्टेट ए है इक्विलिब्रियम में, एक बी स्टेट है। स्टेट ए से आप स्टेट बी में अपना सिस्टम ट्रांसफर करना चाहते हो और वर्क डन जो है 22.3 जूल्स के बराबर आपको दिया गया है ऑन द सिस्टम। इफ द गैस इज टेकन फ्रॉम द सिस्टम ए टू बी बाय ए प्रोसेस इन विच द नेट हीट अब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इज 9.35 कैलोरीज। वो कह रहे हैं कि ए से बी में आप चले गए हो और हीट आपके सिस्टम ने जो अब्सॉर्ब की है 9.35 कैलोरीज अमाउंट ऑफ हीट जो है अब्सॉर्ब की है। हाउ मच इज द नेट वर्क डन बाय द सिस्टम इन द लेटर केस। 1 कैलोरी, दिस इज गिवन टू बी इक्वल टू बेटा 4.19 जूल्स। पूरा स्टेटमेंट बच्चों मैं रिपीट करूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ए इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ ए सिस्टम From A to B बेटा, From A to B, A भी आपका इक्विलिब्रियम स्टेट है, B भी आपका इक्विलिब्रियम स्टेट है। द अमाउंट ऑफ वर्क इक्वल टू 22.3 जूल्स इज डन, इसको भी मैं DW लिख देता हूं, इतना वर्क आपने सिस्टम के ऊपर किया। इफ द गैस इज टेकन फ्रॉम द स्टेट A, ये A स्टेट है, A से B को वो कह रहे हैं कि आप शिफ्ट कर रहे हो, देन द हीट अब्सॉर्ब बाय द सिस्टम इज 9.35 कैलोरीज। और आपको कहा गया है
how much is the net work done by the system in this case when you shift it from A to B by this particular process in which heat aapki jo hai absorb ho rahi hai beta. Now bete, jab aap work kar rahe ho, ye work done aapke system ki internal energy ko beta इंक्रीज कर रहा है तो आपका सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी है दैट विल बी 22.3 जूल्स के बराबर आपके पास बेटे जो है ये आ जाएगा. और डियर चिल्ड्रन डी क्यू थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप 9.35 कैलोरीज इसकी हीट की अब्सॉर्ब करवा रहे हैं सिस्टम को, इसको जूल्स में बदल लीजिएगा. सो मेनी जूल्स बन जाएंगे ये बेटा. और ऑन कैलकुलेशंस ये आपके पास 9436 ये 39.18 जूल्स एग्जैक्ट वैल्यू है. अंदाजा अगर लगा लें तो 9436 तो ये बिकॉज डेसिमल्स में और भी हैं कुछ वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए. इस तरीके से आप अपने न्यूमेरिकल वैल्यू को एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लिया करो बेटे. सो अब वो कहते हैं बेटे डी यू आपके पास है, डी क्यू आपके पास है, और डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है. एक बार स्टेटमेंट की तरफ फिर से अगर जाएं वापस, हाउ मच इज द नेट वर्क डन बाय द सिस्टम इन द सेकंड केस. आपको ये डी डब्ल्यू बच्चों निकालना है, ये डी क्यू माइनस डी यू आ जाएगा जी. डी क्यू डियर चिल्ड्रन आपके पास 39.18 जूल्स, डी यू आपके पास 22.3 जूल्स, और जब आप इसको वर्कआउट कर लोगे 16.88 जूल्स के बराबर का आपका जो है वर्क डन आ रहा है बेटा. मैं रिपीट करूं अगर थोड़ा सा बेटे, फिर से इसको एक बार समझने की कोशिश करिएगा. इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ ए गैस एडियाबेटिकली from A to an other state B, the amount of work equal to 22.3 joules is done on the system. ये पहले केस की बात की है उन्होंने. वो पहले केस में A से B को जब शिफ्ट कर रहे हैं इतना वर्क सिस्टम के ऊपर कर रहे हैं, और ये जो वर्क हम कर रहे हैं सिस्टम के ऊपर ये सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने का काम करेगा. अब उन्होंने दूसरी बार आपको कहा है कि अगर आपका गैस स्टेट ए से स्टेट बी में आप शिफ्ट करना चाहें बाय द प्रोसेस जिसमें इतनी एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है, अब एडियाबेटिक नहीं रहा, फिर पहले एडियाबेटिक की बात वो कर रहे थे, इतनी एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है, देन कैलकुलेट द वर्क डन इन ऑर्डर टू शिफ्ट द स्टेट ए टू द स्टेट बी. तो पहले केस में आपको ये जो डी डब्ल्यू दिया गया है ये आपको डी यू इंटीग्रेट करने के लिए दिया गया है, फिर इस कैलोरीज को आपने जूल्स में कन्वर्ट किया, और देन आपने फर्स्ट लॉ आप जो थर्मोडायनेमिक्स है वो लगा दिया और आपके पास जो डी डब्ल्यू निकल आएगा. सो इस तरीके से बेटे आप इस प्रॉब्लम को कंप्लीट कर सकते हो. देन डियर चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर 9 इसी के बिल्कुल साथ रिलेटेड है. लेट अस फोकस अपॉन दिस आल्सो. 9th पॉइंट क्या है, टू सिलेंडर्स ए एंड बी ऑफ इक्वल कैपेसिटी आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय ए स्टॉप कॉर्क. दो सिलेंडर्स हैं, एक सिलेंडर ए है इमेजिन कर लीजिए और एक सिलेंडर बी है, इनको आपने यहाँ पे एक स्टॉप कॉर्क लगाकर कनेक्ट कर रखा है. दिस वे दो सिलेंडर्स आपके पास बेटे, इनको आपने सिलेंडर ए और इसको बी बोल दिया. कहा क्या है उन्होंने, टू सिलेंडर्स ए एंड बी दीज आर ऑफ इक्वल कैपेसिटी, इनकी कैपेसिटी भी बेटे बिल्कुल बराबर है. दीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय ए स्टॉप कॉर्क. ए गैस सॉरी ए कंटेन्स ए गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. जो आपका ए सिलेंडर है इसमें गैस जो है ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे पड़ी है, एंड बी इज कंप्लीटली इवैक्यूएटेड, ये खाली है इसमें कुछ नहीं है. बी इज कंप्लीटली इवैक्यूएटेड
द इंटायर सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड, ये सारा सिस्टम ये थर्मली इंसुलेटेड है, ना इसको हीट दे सकते हो आप, ना इससे हीट ले सकते हो, इसको आपने इंसुलेट करके रखा हुआ है, इट इज इंसुलेटेड। और फिर क्या कहा है, द स्टॉप कॉर्क इज सडनली ओपन्ड, आपने स्टॉप कॉर्क खोल दिया सडनली अचानक से। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, पहला पार्ट है बटर, फर्स्ट इज व्हाट इज द फाइनल सो आई बेटे ये स्टेट ए एंड स्टेट बी है आपके पास एसटीपी पे, उसको फिर आपने खोल दिया, इवैक्यूएट किया बी को, देन आपने स्टॉप और खोल के आंसर करना है। कुछ क्वेश्चंस हैं आपको दिए हुए, फर्स्ट है व्हाट इज द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस इन ए एंड बी बेटा। अब पहले तो इसमें आपका प्रेशर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे था, अब उन्होंने कहा है कि आप इस ओपन करके इस पर्टिकुलर वेल्व को स्टॉप और को इन दोनों में जो आपका प्रेशर है, व्हाट इज द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस इन ए एंड बी बेटे। अब बेटे देखिए, फाइनल प्रेशर कैलकुलेशन के लिए आपने सिस्टम अपना इंसुलेट करके रखा हुआ है, और आप ये अच्छे से कह सकते हैं बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर आपका जो है इट विल स्टे द सेम, बिकॉज ना हीट लेगा ना देगा, तो आपका P1V1 is equal to, PV is equal to RT आप यूज कर लीजिए, और आपके पास P1V1 is equal to P2V2 आ जाएगा। ये आपका टेम्परेचर फिक्स्ड है, R आपका ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है, ये आपके पहले और ये आपके दूसरे सिस्टम के लिए जब आपने इनको ओपन किया। और बच्चों देखो, जब आप इस वॉल्व को ओपन कर रहे हो, दोनों की कैपेसिटीज बराबर थी, B2 वॉल्यूम नए वाला वॉल्यूम जो है इट विल बी ट्वाइस द वॉल्यूम इन द फर्स्ट सिचुएशन। जब आपने वॉल्व नहीं खोला था, ये फिल्ड था, ये एम्प्टी था, आपने वॉल्व खोल दिया, दोनों के वॉल्यूम्स बराबर हैं, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। और आपने P1 आपका जो है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर ये 1 एटमोस्फियर होता है, और आप अब P2 आप निकालना चाहते हो बेटा, नया आपका प्रेशर जब आपने वॉल्व को खोला, P1V1/B2 इट विल बी देयर, आप अब कॉरस्पॉन्डिंगली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिएगा, वी विल बी हैविंग दैट दिस P2, लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दिस P2 की कितना ये आ जाता है, P2 will be equal to बेटा P1 आपका 1 एटमोस्फियर था, V1 को V1 ही रहने दीजिए, V2 आपका ट्वाइस V1 है, सो P1 आपके पास जो है 1/2 एटमोस्फियर या P2 आपके पास जो है 0.5 एटमोस्फियर के बराबर का प्रेशर आपको बच्चों मिल जाएगा। बेटे एक बार ये थोड़ा सा समझिएगा फिर से, पहले पार्ट में वो आपको कहना क्या चाहते हैं, दो आपको सिलेंडर्स दिए गए थे जिनकी कैपेसिटीज बराबर थी ए और बी, ए आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे था और बी आपका इवैक्यूएटेड है, इसमें कुछ नहीं है, इनको एक स्टॉप कॉर्क के साथ आपने दोनों को कनेक्ट करके रखा हुआ था, सडनली आपने यहां से स्टॉप कॉर्क को हटा दिया, ओपन कर दिया। ओपन करने पे उन्होंने कहा है कि पहले पार्ट में व्हाट इज द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस इन ए एंड बी, ए और बी में फाइनल प्रेशर निकालिएगा। इनिशियली प्रेशर आपका जो था ए में वो 1 एटमोस्फियर था, स्टैंडर्ड प्रेशर की जब आप बात करते हो, फिर आपने पीवी इज इक्वल टू आरटी बिकॉज टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, इसको फर्स्ट के लिए, इसको सेकेंड के लिए लिखा। V2 आपका जो है जब आप ओपन करोगे डबल हो जाएगा V1 के कंपैरेटिवली, सिंपल वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके आपने बेटा जो प्रेशर है ये नए वाला ये वर्कआउट किया। सो मे आई एक्सपेक्ट सारे स्टूडेंट्स को बेटा क्लियर है, ख्याति, नमन, राघव, रमन, इश्नूर, अंजलि, बी पार्ट
What is the change in the internal energy of the gas with A? Anyone from your side, beta? जब आपने सिस्टम के वॉल्व को ओपन कर दिया, what change in the internal energy do we expect, बेटे? अंजलि, अंजलि पुत्र, बेटा, what change in the internal energy do we expect? अंजलि, ख्याति, मिताली पुत्र, अंजलि, ख्याति, मिताली, एनीवन फ्रॉम योर साइड? रिपीट करूंगा क्वेश्चन, व्हाट इज द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस? आपने सिस्टम में इस वॉल्व को ओपन कर दिया, इंटरनल एनर्जी में कौन सा चेंज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मिताली बेटा, बच्चों देखिए, ध्यान दीजिएगा, आपका सिस्टम बेटे इंसुलेटेड है, ना हीट लेगा ना हीट देगा, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट बेटे, बिकॉज ना तो हीट इसको मिल रही है ना ये हीट लूज कर रहा है, तो इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज ही कोई नहीं आएगा. वी विल एक्सपेक्ट नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी जो है आपके सिस्टम की, जैसे उन्होंने कहा है, व्हाट इज द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी? चेंज इन द इंटरनल एनर्जी डी यू इज इक्वल टू जीरो. कोई चेंज नहीं आएगा बेटा. सी पार्ट, व्हाट इज द चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द गैस विद ए? यस बेटा, टेम्परेचर चेंज कितना आएगा इस केस में? डियर चिल्ड्रन, बिकॉज आपका चेंज इन द इंटरनल एनर्जी जीरो है, टेम्परेचर में भी कोई चेंज नहीं आएगा, दैट विल ऑल्सो बी जीरो. The temperature will remain the same degree. So कुछ इस तरीके से आप इसको बच्चों सॉल्व कर सकते हैं. Let us proceed further with the next question, next problem, next point बेटा. ये देखें, next question में हमने किस तरीके से deal करना है. ये next problem पे focus करें बेटा. इसके बाद आपके पास है बेटा क्वेश्चन नंबर 10. ए स्टीम इंजन डिलीवर्स 5.4 इंटू 10 डेज पर 8 जूल्स ऑफ वर्क पर मिनट. 5.4 इंटू 10 डेज पर 8 जूल्स ऑफ वर्क पर मिनट. मैं रिपीट करूं, डियर चिल्ड्रन, a steam engine delivers 5.4 into 10 days per 8 joules of work per minute and services 3.6 into 10 days per 9 3.6 into 10 days per 9 joules of heat per minute from its boiler. ध्यान से बेटे समझिएगा फिर से. A steam engine delivers 5.4 into 10 days per 8 joules of work per minute and services 3.6 into 10 days per 9 joules of heat per minute from its beta boiler. What is the efficiency of the engine? Engine की efficiency आपको निकालनी है. How much heat is wasted per minute? और we are also to calculate that how much heat is wasted per minute. ये भी चीज आपको बेटा निकालनी है. तो dear children, जब आपको उन्होंने कहा हुआ है कि the steam engine delivers 5.4 into 10 raised per 8 joules of work per minute, it will mean that बेटा कि ये आपका आउटपुट है, इसको आप आउटपुट बोल सकते हो. ये इतना आपका स्टीम इंजन का आउटपुट है और ये वो अपने बॉयलर से इतनी हीट को अब्सॉर्ब कर रहा है. दिस माइट बी द इनपुट देन बेटा, इनपुट हीट, आउटपुट हीट. तब आपको उन्होंने कहा है, पहले केस में एफिशिएंसी निकालिएगा. एफिशिएंसी ईटा आउटपुट कितना है आपके सिस्टम का,
इनपुट कितना है इसको रेशो को आप बोला करते हो 5.4 10 डेज पर 8 जूल्स, 3.6 10 डेज पर 9 जूल्स, ये यूनिट्स कट गए। दिस इज विथ ए 5.4 बाई 3.6 इंटू 10 डेज पर माइनस 1 बन गया बेटा, ये बन गया, और ये आपके पास 0.15 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15% एफिशिएंसी जो है आपके हीट इंजन की है। तो रेस्ट ऑफ द हीट जो है वो सारी वेस्ट ही हो रही है फिर बेटा, तो वेस्ट कितनी हुई है एनर्जी, हीट एनर्जी वेस्टेड पर मिनट, वेस्टेड पर मिनट, जितनी ली उसने एक मिनट में और जितनी वापस एज एन आउटपुट दे दिया, इनका आप बेटे जो है ये डिफरेंस निकाल लीजिएगा। सो दिस इज 3.6 इंटू 10 डेज पर 9 माइनस 5.4 इंटू 10 डेज पर 8। तो डियर चिल्ड्रन 3.6 इंटू 10 माइनस 5.4 इंटू 10 डेज पर 8 मैंने कॉमन लिया, 36 माइनस 5.4 इंटू 10 डेज पर 8 ये आ जाएगा 31.6 इंटू 10 डेज पर 8 जूल्स पर मिनट। सो दिस मच अमाउंट ऑफ हीट जो है इट मस्ट बी वेस्टेड, 30.6 आएगा, 31 नहीं बेटा, आप पॉइंट्स को देख लीजिएगा एक बार। सो दिस इज हाउ वी आर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो डियर चिल्ड्रन मे आई एक्सपेक्ट कि सारे स्टूडेंट साथ साथ कर रहे हैं, मिताली, अर्थप्रीत, हरमन, गुरसिमरन, दृष्टि, दिव्यु, दिलजीत, आदिति, सहज, रमन, राघव, नमन, ख्याति, जैकलिन, इश्नूर, अंजलि बेटा, ओके नाइस बेटे। चलिए सेकंड केस एक बार फिर से समझा दो। हाँ जी बेटे, सेकंड केस एक बार फिर से समझा दो। सेकंड केस बट एक बार बेटे फिर से देख लीजिएगा। उन्होंने आपको कहा था कि आपका हीट इंजन जो है वो इतनी हीट एनर्जी पर मिनट डिलीवर कर रहा है, मतलब दे रहा है, और इतनी एनर्जी वो रिसीव कर रहा है अपने बॉयलर से। इट विल मीन दैट कि ये उसकी आउटपुट है, ये इनपुट है। आपने जब एफिशिएंसी निकाली, आउटपुट ओवर इनपुट आपने कर दिया। अब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आउटपुट इनपुट के बराबर नहीं है तो हीट मस्ट बी गेटिंग वेस्टेड बेटा। अब वो वेस्ट कितनी हुई है पर मिनट, जितनी आपके इंजन ने बॉयलर से हीट ली माइनस जितनी आपके इंजन ने डिलीवर कर दी फर्दर, तो इनका आपने सिंपली फर्क लिया है। तो इसको निकालने के लिए मैंने 10 की पावर 8 बेटे दोनों में से कॉमन ले लिया था, ये 10 इसके साथ था, 36 बन गया। तो ये 36 में से 5.4 को हमने कर दिया माइनस बेटे। सो इन दिस वे आप इसको वर्कआउट कर सकते हैं। इज इट क्लियर नाउ बेटा? यस सर। गुड बेटा, वेरी नाइस। चलिए फिर आगे चलते हैं, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। सो इस तरीके से बेटे आप सारे स्टूडेंट्स जो इसकी एक्सरसाइज है, न्यूमेरिकल्स है स्पेशली, इनको ट्राई करिएगा एट द वीकेंड आल्सो। तो फिर हम कोशिश करते हैं कि कल अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर लें आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस एक्सरसाइज। देन 11 नंबर क्वेश्चन बेटा, एन इलेक्ट्रिक हीटर supplies heat to a system at the rate of 100 watt. Heat supply delta Q या dQ ये आपको दिया हुआ है 100 watt. 100 watt बेटे आप जानते हैं joule per second को बोलते हैं ना हम, so this is equal to 100 joules per second भी आप लिख सकते हो। An electric heater supplies heat to a system at the rate of 100 watt. If the system performs work at the rate of 75 joules per second, आपका सिस्टम जो है that is performing some work dW 75 joules per second की रेट से ही वर्क कर रहा है, then at what rate is the internal energy increasing? Simple है बेटा, internal energy delta U या dU इस rate से जो है
ये बदल रही है, दिस इज नीडेड. एनी सजेशन फ्रॉम योर साइड बेटा, कौन सा लॉ लगाएं? अंजलि, इश्नूर, जैकलिन, ख्याति, नमन, राघव, एनीवन फ्रॉम योर साइड हियर चिल्ड्रन. बेटे दो दो चीजें आपके पास है, एक ही निकालनी है. यस रमन, फर्स्ट लॉ, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू. आपके पास डी यू निकालने वाला पड़ा है, बाकी तो दोनों आपके पास है ही है. डी यू इज इक्वल टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू एंड डी यू इज इक्वल टू 100 जूल्स पर सेकंड माइनस 75 जूल्स पर सेकंड. और बच्चों आपका जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है 25 जूल्स पर सेकंड आपको डियर चिल्ड्रन मिल जाएगा. सो इसके बाद लेट अस फोकस अपॉन क्वेश्चन नंबर 12. इसी सेट का है. A thermodynamic system is taken from an original state to an intermediate state by the linear process shown in the figure. ये एक linear process आपको PV indicator diagram की form में show किया गया है. In this manner, O है ये, इधर X रखा है उन्होंने, इधर pressure है, इनको Y axis बोला है, इधर volume cubic centimeters में है, pressure आपका atmosphere में है. और आपका सिस्टम कुछ इस तरीके से है, यहाँ 300 लिखा है, यहाँ 600 लिखा है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे इट इज 5. और बच्चों आपका ये ऐसे ऐसे आपको ये दिया हुआ है इन दिस वे, इस तरीके से. और इस तरीके से इसको उन्होंने डी ई और एफ बोल रखा है. D से E, E से F, F से फिर से D. ये स्पेसिफिकेशन आपके सामने है. A thermodynamic system is taken from an original state to the intermediate state by the linear process shown in the figure. If the volume is then reduced to the original value from E to F by an isobaric process. E से F तक isobaric process के through वॉल्यूम जो है दैट इज रिड्यूस टू द ओरिजिनल वॉल्यूम. बेटे पहले इतना वॉल्यूम था ना, फिर यहां आ गया, फिर वॉल्यूम को उसने कुछ नहीं चेंज किया, उतना ही रखा है. आइसोबारिक प्रोसेस कह दिया है उन्होंने. कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस फ्रॉम डी टू ई टू एफ. डी टू ई टू एफ आपका सिस्टम कितना वर्क करेगा, दिस इज नीडेड बेटे. तो चेंज इन द प्रेशर डी पी कितना है बच्चों, आप इन दोनों का फर्क कर लीजिएगा. This is 3 into 3 atmosphere कह लो, या 3 into 10 raised to 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कह लीजिए. चेंज इन द वॉल्यूम कितना हुआ, इन दोनों का फर्क ले लीजिए. dV आपके पास 300 इंटू क्यूबिक सेंटीमीटर्स में है, तो -6 पर मीटर मीटर क्यूब आ जाएगा. अब बेटे वर्क डन आप जानते हैं, इट इज इक्वल टू एरिया अंडर पीवी कर्व. और वर्क डन निकालने के लिए आप 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट ऑफ द ट्रेंगल यूज करोगे. इट विल बी इक्वल टू 1/2. बेस कितना है ट्रेंगल का, ये आपके पास है 3 into 10 raised to 5. हाइट इज 300 into 10 raised to -6. इसको सारे को सॉल्व कर लीजिएगा बेटे, यू विल गेट इट एज सच. सिंपल है. So that's all from my side for the day, bete. Thank you all.